सेवा परमो धर्म की भावना के साथ सेवा सप्ताह के तीसरे दिन लायंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा 3 अक्टूबर को खालसा पब्लिक स्कूल दुर्ग में आपात स्थिति में किसी व्यक्ति की जीवन रक्षा कैसे करें, CPR कैसे दे आदि बातों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के डॉक्टर जया लालवानी ने दी। डॉक्टर जया लालवानी ने उपस्थित लायंस सदस्यों, टीचर्स और स्टूडेंट को उद्बोधन और प्रैक्टिकल के माध्यम से CPR की जानकारी दी। सेवा परम धर्म की भावना के साथ सेवा सप्ताह के तीसरे दिन लायंस क्लब दुर्ग सिटी के द्वारा 3 अक्टूबर को खालसा पब्लिक स्कूल दुर्ग में आपात स्थिति में किसी भी व्यक्ति की जीवन रक्षा कैसे करें, CPR कैसे दे आदि बातों की जानकारियां दी गई। साथ ही एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर जया लालवानी ने यहाँ पर जानकारी के साथ लोगों को जागरूक भी किया। डॉक्टर जया लालवानी ने उपस्थित लायंस सदस्यों, टीचर्स और स्टूडेंट्स को उद्बोधन और प्रैक्टिकल के माध्यम से CPR की जानकारी दी। इस मौके पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप लालवानी विशेष रूप से शामिल रहे। डॉक्टर लालवानी पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जीवन रक्षक के विषय में जानकारी देने के लिए रायपुर से पधारी। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा मेलविन जॉन्स की फोटो पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। साथ ही ध्वज वंदना का पठन लॉयन महमूद हिरानी ने किया। स्वागत भाषण अध्यक्ष लॉयन सुमन पांडे ने दिया और इसके साथ ही उपस्थित सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया और सेवा सप्ताह के सातवें दिन में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी सेवा सप्ताह संयोजक लॉयन हरमीत सिंह भाटिया ने दी। और उसके प्रति दृढ़ विश्वास को दोहराते हैं, इसका सम्मान व गौरव हमारे द्वारा एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य भार का उत्साह व लगन के साथ वहन किए जाने पर निर्भर है। इस राजध्वज का स्वर्ण अक्षरों में लिखा इतिहास ही हमको अपने देश के उज्जवल नाम को अमर करने के लिए अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर जया लालवानी जी का, जिन्होंने अपना कीमती और अमूल्य समय हमें देकर आप सबके बीच उपस्थित हैं और आप और हमको कुछ ऐसी चीजें सिखाएंगी जो हमारे लिए जीवन में बहुत उपयोगी होगी, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ खालसा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल लखविंदर कौर वालिया जी को। मुख्य अतिथि का जीवन परिचय लायन आकांक्षा मिश्रा ने दिया। लायन रश्मि अग्रवाल ने डॉक्टर जया लालवानी, डॉक्टर दिलीप लालवानी, खालसा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल लखविंदर कौर जी वालिया, खालसा कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुनीता बुकाडे, उपाचार्य मनिंदर कौर, उपस्थित टीचर्स, लायन सदस्यों एवं स्टूडेंट्स का आभार भी व्यक्त किया। मंच का संचालन लायन अमर सिंह गुप्ता ने किया। इस मौके पर MGF लायन ब्रिजमोहन खंडेलवाल, PMGF लायन सतीश चंद सुराना, लायन विजय देवी सुराना, लायन ज्ञानचंद पाटनी, लायन विनोद परमार, लायन अनीता तिवारी, लायन सुनील अग्रवाल के सहित लगभग 250 शहर के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे, हम करेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, प्रयास होगा, एक कोशिश। इंडियन रिससिटेशन काउंसिल फेडरेशन, अब तक जो पॉपुलर गाइडलाइंस थी वो AHA दैट इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस फॉलो की जाती थी, लेकिन अमेरिका और मेरा भारत महान, बहुत फर्क है। सो ब्लाइंडली हम उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर सकते, क्यों? टुडे वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चाइना को हमने डिफीट कर दिया, पीछे छोड़ दिया। सो यहाँ का मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ की लिटरेसी, यहाँ की जो विविधता है, दैट इज डिफरेंट। बहुत बहुत देर तक, बहुत बहुत दूर तक किसी अस्पताल का नामो निशान नहीं है गाँव में। सो हम उनका गाइडलाइंस को अपने देश में फॉलो नहीं कर सकते। चीजें वही है, आदमी भी वही है, हृदय भी वही है, हृदय घात भी वही है, लेकिन जो एक पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ये दिस वॉज द एफर्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीशियोलॉजिस्ट, आई एम एन एनेस्थीशियोलॉजिस्ट, निश्चेतना विशेषज्ञ। सो हमारी टीम ने नेशनल लेवल पे ये गाइडलाइंस फ्रेम की है और आज हम इनको
प्रमोट कर रहे हैं। बहरहाल खालसा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर की गणमान्य शख्सियतों ने उपस्थिति दर्ज कराई। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।